टीकमगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां बगाज माता के पास के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। ये मकान उन्हीं बच्चियों के हैं जिनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिनों पहले कन्या पूजन कर 10,000 गरीबों को पट्टे देने की घोषणा की थी। इस घटना से प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है। मामला टीकमगढ़ के नजदीक शक्तिपीठ बगाज माता का है, जहां पर बीते सप्ताह 4 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब भूमिहीन लोगों को भू अधिकार पत्र देते हुए करीब 10,000 गरीबों को पट्टे देने के लिए घोषणा की थी। इस दौरान कन्या पूजन भी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान ने जिन कन्याओं के पूजन कर कार्य योजना का शिलान्यास किया था, उन्हीं कन्याओं के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्याओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं और दूसरी तरफ एक सप्ताह के अंदर ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, वो भी उस समय जब टीकमगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में गरीब बच्चियां कहाँ रहेंगी, यह सोचने का विषय है। जहाँ एक ओर इनके विधायकों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। जो मकान आप ही का है, किसने तोड़ दिया? जब यहाँ पे बगाज माता में शिवराज सिंह जी आए थे, तब आप थी यहाँ पे? क्या किया था उन्होंने? हमारे बेंच पे तो टीका भी लगाए था, कपड़े दिए थे, फिर तो हम रख पर आज उनसे मकान टूट गया। अब आप लोग कहाँ जाओगे? यहीं रहेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।